दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ गौरा गौरी पूजा का भी हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा, और उसके बाद आज गोवर्धन पूजा, इसमें गौ माता को जहां सोहई भी बांधते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी भी खिलाते हैं, नए फसल के साथ खिचड़ी बनता है जिसमें जिमीकंद भी रहता है, कुमड़ा भी रहता है, पेठा भी रहता है, वो सब खिचड़ी बना के गौ वंश हो चाहे भैंस वंश हो सबको खिलाते हैं, प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। और उसके साथ साथ सुवा नृत्य है, राउत नाचा है, तो बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके माध्यम से ये त्यौहार हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। कल भाई दूज है, अन्नकूट है, उनका अपना महत्व कल वो भी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में दीपावली का ही माहौल है, सबके यहाँ खुशियाँ, मिठाई भी बनाए हैं, गुजिया भी है, ठेठरी खुरमी भी है, सभी प्रकार के पकवान बने हुए हैं, सभी मित्रों के यहाँ जाते हैं, परिवार के यहाँ जाते हैं और सब खुशियाँ बांटते हैं। तो ये त्यौहार खुशियाँ बांटने का त्यौहार, तो सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक चीज़ देखा गया है सर, ये बीजेपी के नेता भी राउत नाचा कर रहे हैं, सोना खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा हमारी जो संस्कृति है उसे जुड़ना ही होगा। और 15 साल तक उनको मौका मिला था, उन इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद ये छत्तीसगढ़ की कला है, संस्कृति है, तीज त्यौहार है, परंपराएं हैं, उसके साथ हम लोग सब मना रहे हैं, तो खुशियाँ और भी कई गुना बढ़ जाता है। धान खरीदी शुरू होने वाली है 1 नवंबर से, बीजेपी का कहना है अब तक कोई व्यवस्था नहीं करी है सरकार, अब उसकी चिंता वो ना करें, हमको जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, किसानों ने कांग्रेस को जिम्मेदारी दी, तो हम उसकी चिंता कर लें, वो अपनी चिंता करें। सर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और महात्मा गांधी जी के साथ बड़े सारे, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो केवल राजनीति करने के लिए वो करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके बारे में कुछ बोलना मतलब समय बर्बादी करना। हाँ जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पार्टी लगातार विश्वास व्यक्त कर रही है, मैं किन शब्दों के साथ आभार व्यक्त करूँ, एक जिम्मेदारी और मिली है, वहाँ भी इस समय हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है 8 तारीख को जब काउंटिंग हुआ, कांग्रेस बड़ी पार्टी और स्पष्ट बहुमत के साथ सर जीत के आएगी। सर, CWC मेंबर और सभी प्रदेश प्रभारियों से इस्तीफा मांग लिया गया है, दुनिया से भी मांगा गया है। देखिए, ये तो व्यवस्था है, जब अध्यक्ष चुना जाता है उसके बाद कार्यकारिणी अपने आप भंग हो जाती है, तो वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये किया गया है। अब जब नई कार्यकारिणी बनेगी, नए CWC के चयन हो जाएगा, तो जब तक के प्रभार नहीं दिया जाएगा तब तक के फिर ये टीम काम करती रहती है, तो वो व्यवस्था है। तो क्या माना जाए कि नए प्रभारी मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ को? मैं इसके मामले में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कह सकते हैं, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे जो वर्किंग कमेटी है और जो पदाधिकारी हैं।